चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल और इस्लामोफोबिया समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बतदरीज मुस्तकम हुए हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा, वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में मुतल्लिका इदारों से राबता। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म इमरान खान की दूसरी जंग अजीम के सिपाहियों की यादगार पर हाजिरी। अपोजिशन के राबतों के बाद हुकूमती इतिहादियों के आपस में राबते। क़यादतें आइंदा के सियासी लायहा अमल के लिए मशावरती मुलाकात करेंगी। MQM और मुस्लिम लीग काफ सियासी मंजरनामे पर मशावरत से चलेंगे। नूर मुकदम कत्ल के ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत देने का हुक्म। ज़ाहिर जाफ़र को कत्ल, अगवा, जुर्म छुपाने, हब्ज़े बेजा और दीगर दफात के तहत सज़ा सुनाई गई। शरीक मुलज़िमान जमील और जान मोहम्मद को 10-10 साल कैद। पी का ऑर्डिनेंस ड्रेकोनियन कानून है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि अदालत में जो केस आया वो इस अदालत के लिए शॉकिंग था। जिन्होंने कानून बनाया था उन्होंने भी इसको चैलेंज किया है। सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात के दौरान दो तरफा तालुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई, इक्तिसादी और तिजारती शोबों में तावुन के फरोग पर गुफ्तगु की गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की मास्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-on-1 अहम मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा तालुकात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बैन अल-अक़वामी और रूस की सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफा उमूर, खत्ते की सूरत हाल और खसूसन अफगानिस्तान में रोनुमा होने वाली सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। बाद अज़ा रूसी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म के एजाज में दोहराने का एहतमाम किया गया। मुलाकात के बाद वफूद की सतह के मुज़ाकरात होंगे, जिनमें मुख्तलिफ शोबों में तावुन पर बहमी यादाश्त के मुहायदे किए जाएंगे। कबल अज़ी आज सुबह वज़ीर आज़म ने दूसरी जंग अजीम में हलाक होने वाले फौजियों की यादगार पर भी हाजिरी दी। यादगार क्रेमलिन के अलेक्जेंडर गार्डन में तामीर की गई। वज़ीर आज़म ने यादगार पर फूल भी रखे। वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता रोज़ रूस के दो रोज़ा सरकारी दौरे पर मास्को पहुँचे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत मास्को में आला सतह का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें यूक्रेन रूस तनाज़े से मुतालिक बदलती सूरत हाल का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मास्को में आला सतह का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर खजाना हम्माद अज़हर, वफाकी वज़ीर इत्तिलात फवाद चौधरी और मोईद यूसुफ और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने दूसरी जंग अजीम में
हलाक होने वाले फौजियों की यादगार पर भी हाजिरी दी। यादगार क्रेमलिन के अलेक्जेंडर गार्डन में तामीर की गई। वजीर आजम ने यादगार पर फूल भी रखे। पाकिस्तानी सफीर मेजर जनरल रिटायर्ड ने यूक्रेन रूस कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तलबा को हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस लौट जाएं। एमक्यूएन की क्यादत ने मुस्लिम लीग काफ की क्यादत से राबता किया है। काफ लीग के मौनिस इलाही की एमक्यूएम के वफाकी वजीर अमीनुल हक से फोन पर बातचीत हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के बाद अब इत्तेहादियों ने आपस में राब्ता करने का सिलसिला शुरू किया है। एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी वफाकी वजीर मौनिस इलाही से फोन पर बात की। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक भी हुआ है। ज़राए का बताना है कि जल्द दोनों क़यादतें आइंदा के सियासी लाहा अमल के लिए मशावरती मुलाकात करेंगी। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग काफ सियासी मंजरनामे पर मशावरत से चलेंगी। वाजह रहे कि एमक्यूएम की क़यादत पहले भी चौधरी बरादरान से एक मुलाकात कर चुकी है। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने नूर मुकदम कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत देने का हुक्म देते हुए मुलजिम के वालिदैन को आनते जुर्म के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने नूर मुकदम कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत देने का हुक्म देते हुए मुलजिम के वालदैन को इनायत जुर्म के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नूर मुकदम कत्ल केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में समाअत हुई। मरकजी मुलजिम जाहिर जाकिर जाफर समेत मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इकदाम किए गए। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने नूर मुकदम कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत देने का हुक्म दे दिया। सेशन अदालत ने थेरापी वर्क्स के मुलजिमान को बरी करते हुए शरीक मुलजिमान जमील और जान मोहम्मद को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म दिया, जबकि जाहिर जाफर के वालदैन को इनायत जुर्म के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। जाहिर जाफर को कत्ल, अगवा, जुर्म छुपाने और दीगर दफा समेत दफा 201, 364, 176, 342, 109 और 302 के तहत सजा सुनाई गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनल्ला ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए इस कानून को ड्रैकोनियन कानून करार दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला का कहना है कि पैका एक काला कानून है, इख्तलाफ करने वाले हदफ क्यों ना सेक्शन 20 कलदम करार दे दें। सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, ओपोजिशन की तो सेनेट में अक्सरियत है, उसको मुस्तरद कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने पैका ऑर्डिनेंस FIA का इख्तियार से तजावुज के खिलाफ केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि FIA के पास 14,000 शिकायत हैं, लेकिन सिर्फ हुकूमत मुखालिफ आवाज़ों को टारगेट किया गया। कानूनों को ऑर्डिनेंस के जरिए ड्रैकोनियन बनाना तश्वीशनाक है। अगर एग्जीक्यूटिव को अपनी प्राइवेट साख का इतना ख्याल है तो उसमें से पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को निकाल दें। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि उनके ख्याल से पैका सेक्शन गैर आइनी नहीं, कानून का गलत इस्तेमाल को देखना है कि इसके कुछ सेफ गार्ड्स होने चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप कहते हैं FIA जाकर गिरफ्तार करेगा और ट्रायल के अख्तितम तक वो कैद रहेगा, नैब के कानून से भी ज्यादा बदतर कर दिया है। जितना नुकसान नैब और इसके कानून ने पहुंचाया है उस वक्त कुछ नहीं कहना चाहते। आप ये बात वाजे करें कि किसी तकरीर पर इसका इतलाक नहीं होगा, ये भी बताएं कि ऐसी क्या जल्दी थी कि ऑर्डिनेंस लेकर आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस और FIA के इख्तियार से तजावुज केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। खान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दूं। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान। वजीर आजम मुखलिफ किया गया, लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान।